तो बच्चों, कहानी के पिटारे में आज मैं आभा जाधव फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है सच्चे मित्र। शुरू करें आज की कहानी। एक जंगल में एक कबूतर, चूहा और हिरन तीनों घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। जंगल में बने सरोवर में पानी पीते, फल खाते और वहीं सरोवर के आसपास घुमा फिरा करते थे। जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसने हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। काफी प्रयत्न और मेहनत से शिकारी ने जाल को छिपा कर लगाने में सफलता पा ली। शिकारी के जाल में हिरन आसानी से फंस गया। इस पर कबूतर ने कहा, घबराओ मत मित्र, मैं देखता हूं कि शिकारी कहाँ है और कितनी दूर है। मैं उसको रोकता हूं जब तक हमारा मित्र चूहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्दी से निकल जाओगे। यही हुआ। कबूतर ने शिकारी को ढूंढना शुरू किया। वह दूर था। कबूतर ने अपने प्राण को जोखिम में डालकर शिकारी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। कबूतर के प्रहार से शिकारी को कुछ समझ में नहीं आया और वह परेशान होकर बचने लगा। मगर कबूतर शिकारी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। शिकारी ने जल्दी ही कबूतर पर काबू पा लिया और वह जाल की ओर आया। यहां चूहे ने जाल को लगभग काट दिया था। अब हिरन आजाद ही होने वाला था। तभी शिकारी वहां पहुंचा और इतने में कबूतर का एक झुंड जल्दी से आकर उस शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से शिकारी घबरा गया। थोड़ा सा समय उन कबूतरों पर काबू पाने में लगा। इतने में चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया, जिससे हिरन आजाद हो गया। अब क्या था, हिरन और चूहा अपने अपने रास्ते भागने लगे। कुछ दूर भागे ही होंगे और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका मित्र कबूतर शिकारी के चंगुल में आ गया था। हिरन ने सोचा, इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इस पर हिरन धीरे धीरे लंगड़ा कर चलने लगा, जिससे शिकारी को ऐसा लगा कि हिरन घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा है, वह भाग नहीं सकता। शिकारी ने झट कबूतर को छोड़ा और हिरन की तरफ दौड़ा। शिकारी को आता देख कबूतर उड़कर आकाश में चल पड़ा। हिरन जो अभी तक नकल कर रहा था, वह भी तेज दौड़कर भाग गया और चूहा दौड़कर बिल में घुस गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की रक्षा की। The moral of the story is, आज की इस कहानी से हम क्या सीखेंगे? आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है बच्चों। इसलिए कभी भी आप मुसीबत में फंस जाएं, तो अगर सब मित्र मिलकर अगर एक दूसरे के ताकत को यूज करेंगे, एक दूसरे की बुद्धि से, एक दूसरे की तरकीब से चलेंगे, तो हो सकता है कि आप उस मुसीबत से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं और तब कोई मुसीबत छोटी नहीं रह जाएगी। तो आप भी अपनी दोस्ती में मजबूती बनाइए और सूझबूझ और समझदारी अपनाते हुए हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहिए। मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।